गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे हम एक डायपोल का यूज़ करें। कंसीडर ए डायपोल ए एंड बी। ओके, डायपोल मैं दोबारा बता देती हूँ, आपके पास क्या टर्म होती है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बिटवीन ए सम डिस्टेंस। तो ए बी है, यहाँ पर ए पर आपके माइनस क्यू चार्ज है, बी पे आपके प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास 2a है। अगर मिड पॉइंट से देखें तो आधी डिस्टेंस ए होगी और बाकी जो बची हुई आधी वो भी ए होगी। मिड पॉइंट से इसी एक्सियल लाइन पर कोई p पॉइंट आता है, उस p पॉइंट की डिस्टेंस है r। ओके, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इस p पॉइंट पर ये प्लस क्यू चार्ज के लिए और माइनस क्यू चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल आता है, मतलब नेट कितना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट का जो है वो वी वन लेते हैं और बी पॉइंट जो है उसका वी टू लेते हैं, वी वन और वी टू। तो वी वन जो है आपके पास में, ये वी वन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन ए पी, वी टू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बी पी, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला है आपका। ए पी आपकी ये वाली डिस्टेंस है ए से लेके पी तक की, क्योंकि आप माइनस क्यू के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये पूरी डिस्टेंस हम यूज़ करेंगे। अगर हमें बी के लिए फाइंड आउट करना है तो बी पी डिस्टेंस लेंगे ये वी टू के लिए। टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे फाइंड आउट करेंगे। वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू। वी जो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रख देंगे, माइनस का क्यू ए पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी। ए पी और बी पी को हम सबसे पहले तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन के बाद में इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है ये पहले आ जाएगी, नेगेटिव टर्म है ये बाद में आ जाएगी। बी पी और ए पी की वैल्यूज़ की बात अगर हम करते हैं तो बी पी की वैल्यू जो होती है वो आर में से इस ए टर्म को हटा देते हैं तो ये बी पी की वैल्यू आ जाएगी। अगर इस आर टर्म में ए को ऐड कर देते हैं तो ये ए से लेके पी तक की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों ही वैल्यूज को हम यहाँ पे देखें, 1/r - a माइनस 1/r + a। अब नेक्स्ट टर्म में हम इसे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले लिया और अपोजिट टर्म ऊपर डाल दी। इसके बाद में इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे देखें आप ये आर और ये आर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ऊपर बचा 2a। ये 2a, इस q को आप एक साइड में लाएंगे तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो a है आपका वो नेग्लेक्ट हमें करना है, क्योंकि ये हम बहुत शॉर्ट डायपोल के लिए लेते हैं। शॉर्ट डायपोल के लिए हम मानते हैं a की वैल्यू बहुत ही कम है, तो कम है तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो और ऊपर है q इंटू 2a, तो ये हो गया आपका p। तो आपके पास पोटेंशियल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये तो है आपका एक्सियल पॉइंट के लिए। इसी तरीके से अगर हम इक्वेटोरियल के लिए करते हैं तो देखो, सबसे पहले इक्वेटोरियल पॉइंट देख लो कौन सा होता है, जो मिड से परपेंडिकुलर हो। अभी हमने क्या देखा, एक्सियल पर, लेकिन एक्सियल नहीं, अब हम क्या देखेंगे, मिड से जो परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर P हो गया R डिस्टेंस पर। अब AP और BP की डिस्टेंस चेंज हो गई है, तो AP और BP की डिस्टेंस हम राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे V1 और V2 दोनों की वैल्यूज वही सेम, माइनस का Q अपॉन AP, इधर प्लस का Q अपॉन AP। तो टोटल या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 माइनस Q अपॉन AP, Q अपॉन BP। Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, टर्म्स चेंज कर दिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। वैल्यूज पुट की तो हमने ये देखा कि यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज सेम है, तो ये आपका यहाँ पे दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V। तो ये आपका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। तो दो पोटेंशियल हमारे आ गए हैं, एक आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट के लिए, और दूसरा हमारा आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ओके, थैंक्स।